गैंग ऑफ वसीपुर में एक बहुत फेमस डायलॉग है आपका, बाप का, बेटे का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। तो क्या इस फिल्म में डांस करने के बाद पूरी भड़ास आपने बचपन से जो थी निकाल दी कि सबका बदला ले लिया आपने? अभी बाकी है बदला लेना तो, बट ये तो खैर डायलॉग था, ऐसी बात नहीं। बट थैंक गॉड इस फिल्म के जरिए जो ब्लॉकेज थे ना जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डांस को लेके, क्योंकि मैंने कभी रियल लाइफ में भी नहीं किया, तो एटलीस्ट थैंक गॉड वो उन चीज़ों का सामना हुआ, वो इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं आदमी के मन में, जो दिमाग में होती हैं, उन सिक्योरिटीज़ से फेस करने का मौका मिला इस फिल्म, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिल्म। सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या इस फिल्म में गाने में परफॉर्म करते वक्त, इस तरह के स्टेप्स करते वक्त कभी आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्बैरेसिंग लगा है कि यार मेरे से नहीं होगा? शुरू में लग रहा था, क्योंकि मैं जिस दिन ये डांस हुआ था तो मैं रात में सो भी नहीं पाया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे लग रहा था कैसे होगा ये, जस्ट इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हालांकि दो तीन दिन, कुछ दिन की रिहर्सल की थी मैंने, बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता रहा सॉन्ग, जो गाना है उसमें, फिर मुझे मज़ा आने लगा था, थैंक्स टू साबिर भाई और टाइगर, क्योंकि टाइगर को मैं हमेशा देखता रहता था जिस तरीके से, उतना तो नहीं खैर उसके जैसे तो नहीं, बट थोड़ा बहुत 1% भी अगर कुछ हो जाए तो एक कोशिश की थी मैंने वो। टाइगर, जब आप इस गाने में नवाज को डांस सिखा रहे थे तो उस दौरान कुछ ऐसे हिलेरियस मोमेंट या कुछ खास ऐसे पल जो अभी आप शेयर कर पाए हमारे साथ? हिलेरियस मोमेंट्स तो काफ़ी सारे थे, पर एक चीज़ अगर बताओ इनके बारे में तो जो बहुत ही फनी है फॉर मी, मुश्किल सा स्टेप्स बहुत आसानी से कर पाते हैं और आसान स्टेप पता नहीं होता है नहीं इनसे पर मुश्किल स्टेप जैसे अभी अभी एक फुटवर्क का, माइकल जैक्सन का एक फेमस फुटवर्क स्टेप है, वो बहुत आसानी से कर पाते हैं, पता नहीं कैसे, फॉर अ नॉन डांसर इट्स अमेजिंग।